मैं चाहूंगी अब आप एक राज खोल दें। मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन आप समझ जाएंगे मैं किसकी ओर इशारा कर रही हूँ। बिहार के एक नेता है, कहा जा रहा है कि वो आपके शिविर में बहुत जाते हैं। सोशल मीडिया पर दरअसल एक पोस्ट वायरल है क्योंकि वो पलटी बहुत मारते हैं और वो 360 डिग्री घूमने लग गए। देखो, हमने नीतीश जी को, लालू जी को, तेजस्वी जी को, सबको योग सिखाया। जब सबको योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे भाई, पक्षों विपक्षों थोड़ा बोलो तो से, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? आप लोग तो ऐसे बैठे हुए, मैंने सुना है कुछ लोग थोड़ा सा कुछ उनके पास रुतबा आ जाए ना तो रिएक्शन देना भी बंद कर देते हैं। सबको योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतनी सी बात है तो इसमें पक्ष हो विपक्ष तो हो, नीतीश जी को कौन सा ऐसा योग सिखा दिया कि वो 360 डिग्री घूम गए? देखो, घूमना तो और घुमाना तो ऐसे ही चाहिए। देखो अब वो कैसे घूमते हैं उनका, उनसे पूछो, हम तो ऐसे घुमाते हैं। देखो है, तो सबको योग करना चाहिए। और मैं आपको बोलता हूँ जो है, वो लालू जी भी योग तो करते थे, बीच बीच में थोड़ा उल्टा करना शुरू कर दिया तो फिर थोड़ा सा जो है अब ये तो करना ही चाहिए ना। आजकल तेजस्वी सही योग कर रहा है उस लड़के की। देखो, मैं किसी की ना निंदा करने आया हूँ ना स्तुति करने आया हूँ। मैंने पहले आपको बोल दिया था, आप देखो मुझे पक्ष विपक्ष में नहीं, मुझे निष्पक्ष रखना। लेकिन तेजस्वी जो है जिस तरह से बिहार में निकला है, लाखों लोग उसको सुनने आ रहे हैं उस लड़के को। तो मैं तो चाहता हूं देश में, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी देश में मजबूत होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। यात्रा पर तो एक और नेता निकले हैं, राहुल गांधी, उनकी फिटनेस कैसी लगी आपको? राहुल गांधी जी की फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल फिटनेस के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्न करने का सबको अधिकार है। हालांकि मार्शल आर्ट भी सीख चुके हैं, योग, फिटनेस राहुल गांधी की भी है। हालांकि क्या उनके लिए कोई राजयोग है? उनके लिए कोई राजयोग है क्या? उनको आपने आमंत्रित नहीं किया? देखो, ये भी आपने पक्षपात किया, शायद यात्रा में होंगे इसलिए ना। अब आप मेरे सामने हैं तो मार्शल आर्ट वो सीख चुके हैं और फिटनेस के बलबूते जिस तरीके से यात्रा पर वो निकले हैं, अब बाबा जी की भी अगर मार्शल आर्ट हमें यहाँ देखने को मिल जाए तो मुझे लगता है कुछ राहुल भी इससे सीख लेंगे। अभी मार्शल आर्ट भी दिखाऊंगा आपको। राहुल गांधी जी ने जो पहली यात्रा की दक्षिण से और उत्तर की ओर, उसका फायदा हुआ उनको। आज उनका राजनीतिक वजूद बच गया क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना वो जीत गए। तो नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जो भी कोई पुरुषार्थ करता उसको कुछ तो फल मिलता ही है। यदि राहुल गांधी यात्रा न करते तो कर्नाटक और तेलंगाना इनके हाथ में ना आते। तो अभी भी हाथ पैर मार रहे हैं, सबको अधिकार है इसमें। जहां तक अब देखो फिटनेस की बात है तो आपने मेरे साथ बहुत योगा किया, पहले इधर आओ। और अब सुनो, आप लोगों को भी एक बात कहता हूँ, ये ठीक है ये बतियाना, ये सब इंटरव्यू देना, हेडलाइंस बनाना, हेडलाइंस तो हम 10 मिनट में 10 बना सकते हैं लेकिन फिर उस बाद में फिर उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये वाला जो कार्यक्रम है ना, भारत के व्यक्ति को देखो बचपन में भी बचपन जैसी स्फूर्ति होनी चाहिए। अब हम लोग जो है बचपन में भी बचपन जैसी स्फूर्ति रखते हैं। इधर आओ, ये हेमंत जी, मैं माइक पकड़ती हूं, मैं इस आउटफिट में नहीं कर पाऊं। हेमंत जी की तो पूरी चांदी हो रखी है। ये जो हेमंत जी है ना हमारे, ये हमको पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। देखो, एक तो इतनी फिटनेस होनी चाहिए, आप जैसे ऐसे खड़े हो ना तो एक सेकेंड में ये ऐसे हो जाए। खड़े ही नहीं होना आप, हाथों के बल जैसे पैरों के बल चलते हैं तो हाथों के बल चल भी पाए ऐसे। जोरदार तालियां। और जो है जहां तक फिटनेस की बात है तो मैं ही संभाल लेता हूं माइक। देखो, अब इतनी फिटनेस होनी चाहिए कि आप ऐसे माइक बीच में ही। जोरदार तालियां। ये फिटनेस होनी चाहिए और ये फिटनेस पाने के लिए आपको योग करना पड़ता है। अब
हनुमान जी का नाम तो सब लेते हो, हनुमान चालीसा तो पढ़ते हो, हनुमान चालीसा हनुमान दंड के साथ पढ़नी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि शिव लोक उजागर, राम दूत अंजनी पुत्र पवन सुत नाभ, ऐसे करो, ये ऐसे करनी चाहिए। इसको कहते हैं फिटनेस। तो ये है हमारा देसी व्यायाम, और जो इसको करता है ना, इसको ऐसे रहना चाहिए। और शीर्षासन, लोगों से सीधी सीधे बैलेंस नहीं बढ़ता, लेचर पचर चलते रहते, ये बैलेंस रहना चाहिए। जोरदार तालियां। तो अब ये संतुलन पाने के लिए सुबह मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तालियां बजाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये भी एक बहुत अच्छा। तो देखो, ताली बजाने से किसी का सत्कार और आपका उपचार भी हो जाता है। बिल्कुल। और अब नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में हो सकता वैसे बजानी पड़े। लेकिन तो, बात क्योंकि तो इतना भी ना कर पाओ। अब देख, तब तालियां रुकनी नहीं चाहिए, अब तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। तो इतना भी ना कर पाओ, देखो हम तो योग सत्ता वाले हैं, धर्म सत्ता वाले हैं, और योग शाश्वत है। इसी सत्ता सम्मेलन में राहुल गांधी का भी तो सवाल पूछो अपने शिविर में। बस आधा मिनट, मेरा मेन जॉब तो करने दो। तो मेरा जो मेन जॉब है वो योग है, भस्त्री का कपाल भाती और ये अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। मुझे लगता है एक बार किंग जोम को भी कराना पड़ेगा। पुतिन को तो करवाऊंगा नहीं, फिर तो इंडिया नहीं। तो ए हेमंत जी, अभी पुतिन को नहीं कराना, नहीं तो फिर आपका शाम का शो कैसे चलेगा। हम योग वाले हैं, टीवी 9 युद्ध वाला भी है। नहीं, आप इंटरनेशनल राजनीति पे पहुंच गए, सत्ता सम्मेलन में। मैं सत्ता से जुड़े राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, वो आप मुझे नहीं बता रहे उन्हें अपने शिविर में बुलाएंगे या नहीं, योग सिखाएंगे या नहीं। बहुत कुछ इम्बैलेंस है, शायद सब कुछ बैलेंस हो जाए योग से। युद्ध वाले भी हैं, योग वाले भी हैं, बुद्ध वाले हैं, आप शुद्ध भी हैं, बुद्ध भी हैं, शुद्ध भी हैं। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो जैसे सभी चीजों में एक संतुलन बना के चलता है इंडिया टीवी। और क्या करूं, दिमाग में पुराना वायरस आ गया। आप ही उसके जन्मदाता है, तो भाग्य विधाता। तो मैं आपसे बात कह रहा था, एक संतुलन, समाचार हो, युद्ध हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, योग हो, सत्ता हो, धर्म सत्ता हो, राज सत्ता हो, ये तो एक हमारा जीवन। योग भी क्या कहता है, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। योग जो है हमें संतुलन ही सिखाता है, इसलिए जीवन में संतुलन बना रहना चाहिए। हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जहां भी हम हो, हमने बैलेंस खो दिया तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा।